देश में इंटरनेट क्रांति लाने वाली सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो अब टेक कंपनी गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल और किफायती स्मार्टफोन बनाने पर काम कर रही है। इसके साथ ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने गुरुवार को कहा कि कंपनी सस्ता स्मार्टफोन बनाने की पहल पर पार्टनर जियो के साथ मिलकर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पिछले साल गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.7% हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी थी। दोनों कंपनियों ने मिलकर एंट्री लेवल और किफायती स्मार्टफोन बनाने के लिए एक कमर्शियल एग्रीमेंट भी किया है। हाल ही में सुंदर पिचई ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो एक किफायती फोन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने संभावित लॉन्च डेट और प्राइसिंग सहित बाकी किसी चीज के बारे में कोई खुलासा नहीं किया। इस प्रोजेक्ट के जरिए जियो और गूगल का मकसद देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किफायती डिवाइस पहुंचाना है, जिससे कि देश के ज्यादातर लोगों को सस्ती डेटा दरों के साथ ही सस्ते स्मार्टफोन भी मिल सके। जियो प्लेटफॉर्म्स में गूगल का निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड का हिस्सा था, जिसकी घोषणा पिछले साल जुलाई में की गई थी। पिचई ने भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 से 7 सालों में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की थी। पिचई का मानना है कि कोरोना ने लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी की जरूरत का एहसास कराया है। उनका कहना है कि गूगल टेक्नोलॉजी की जरूरत को समझते हुए उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स डिजाइन करता है, जो कि उनके टेलीकॉम ऑपरेटरों यानी नेटवर्क पर अच्छी तरह से काम कर सके। उसके साथ ही कंपनी कोशिश करती है वो नई टेक्नोलॉजी को लोगों तक उनके बजट में पहुंचाए। बता दें कि कंपनी ने नई प्राइवेसी सेटिंग, एआई टूल्स और एंड्रॉयड 12 के पहले बीटा को रिलीज करने सहित कई नए फीचर्स की घोषणा की थी, जो इसी साल तक अपने प्रोडक्ट्स का हिस्सा बन जाएंगे। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रही है, जिसमें सुंदर पिचई का मानना है कि गूगल एआई के क्षेत्र में एक जिम्मेदार साझेदार बन सकती है। कंपनी लोगों के रोजमर्रा के कामकाज आसान बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही गूगल लोगों की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने की ओर भी काम कर रही है, जिसके जरिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके।